press the bell icon on the YouTube app and never. वो तो ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान जो है वो टूट के अलग हुआ और पाकिस्तान का एक हिस्सा अलग हो गया. वहां पे तो अभी तक उसको मशरकी पाकिस्तानी कहा जाता है कि मशरकी पाकिस्तान जो है वो अलग हो गया. तो उसको फॉल ऑफ ढाका जो है उसको उसका दिन जो है 16 दिसंबर वो तो बड़े उससे मनाया जाता है और बहुत ज्यादा पोइट्स ने उसके ऊपर लिखा है, राइटर्स ने लिखा है, उसको एक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा गम और दुख कहा जाता है. देखिए अभी ये कहना नहीं चाहिए क्योंकि बांग्लादेश एक अलग कंट्री है और वो ये समझते हैं कि उन्होंने आजादी हासिल की. लेकिन वहां पर पाकिस्तान के अंदर तो ये जो दिन है इसके ऊपर बहुत लिटरेचर लिखा गया है और यहाँ तक कहा जाता है कि जिस वक्त ये खबर सुनाई दी थी लोगों को पाकिस्तान के अंदर, उस वक्त जब रेडियो पाकिस्तान या टेलीविजन पर ये ऐलान किया गया था, पता चला था कि मशरकी पाकिस्तान अलहदा हो गया, तो बहुत से लोगों को तो दिल के दौरे पड़े थे, हार्ट अटैक हुआ था और वो मर गए थे. इतना बड़ा उनके लिए सानहा था. तो इसको वहां पर एक सानहे के तौर पर देखा जाता है, जो कि अब नहीं कहना चाहिए क्योंकि अब तो वो एक अलग कंट्री है ना, वो इसके ऊपर एतराज कर सकते हैं कि आप ये क्या बात करें. लेकिन जो वही इसी पास्ट की वजह से, इसी हिस्ट्री की वजह से वहां पे ये सेलिब्रेशन है कि देखो उनसे जो है वो अलहदा हो गए और हमसे अलहदा हो गए और अब वहां पे जाके देखो जो कुछ हुआ था वो फिर कारमा हुआ और फिर एक बार फिर उनके साथ ये हुआ. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे. आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे. तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे सुमित जैन साहब को, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं. वो है भारतीय मूल के पर वो चाइना में रहते हैं और उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार और यूट्यूबर आलिया शाह जी. तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा. तो इसे अब तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और दमदार वीडियो लाते रहें. तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे. जय हिंद जय भारत. नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही खास मेहमान आलिया जी हमारे साथ हैं. बहुत देर से मैं चेज कर रहा था इनको, इनके पास टाइम नहीं है, कभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो हमारा कभी टकरा नहीं हो सका. आलिया जी सबसे पहले शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए. जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया सुमित जी कि आपने काफी अरसे से आप जो है वो बुला रहे थे. बहुत बस टाइम की कमी की वजह से नहीं, और कुछ टाइम का आपको पता है कि वहां पर कुछ और होता है, यहाँ पर कुछ और होता है, लेकिन थैंक यू सो मच. तो एनीवेज फाइनली वी आर मीटिंग और आज मुद्दा है बांग्लादेश को लेकर बढ़ेंगे कि ऐसा क्या चक्कर है कि जब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट गिरी तब पाकिस्तान में भंगड़े डाले गए, भारत में मोदी जी के 400 पार नहीं हुए तो भंगड़े डाले गए, अभी बांग्लादेश की गवर्नमेंट गिर गई है तो वहां पे भंगड़े डाले जा रहे हैं. ये क्या चक्कर है कि किसी की कंट्री में कुछ भी होता है तो वहां पे भंगड़े क्यों डालते हैं? हाँ, ये ऐसा है कि किसी भी कंट्री में कुछ हो तो भंगड़े डलते हैं नहीं डलते, लेकिन बांग्लादेश का जो मामला है, जो पास्ट है दोनों कंट्रीज का, तो उसपे तो आपको पता ही है कि ये भंगड़े तो डलने ही डलने थे. तो ये तो वहां पर एक शायद तारीख की सबसे बड़ी सेलिब्रेशन अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा जो वहां पर फील किया जा रहा है, ये जिसको इस तरीके से लिया जा रहा है. इसकी वजह ये है कि आप पास तो वही है ना, मतलब वो तो ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान जो है वो टूट के अलग हुआ और पाकिस्तान का एक हिस्सा अलग हो गया. वहां पे तो अभी तक उसको मशरकी पाकिस्तानी कहा जाता है कि मशरकी पाकिस्तान जो है वो अलग हो गया. तो उसको फॉल ऑफ ढाका जो है उसको उसका दिन जो है 16 दिसंबर वो तो बड़े उससे मनाया जाता है और बहुत ज्यादा पोइट्स ने उसके ऊपर लिखा है, राइटर्स ने लिखा है, उसको एक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा गम और दुख कहा जाता है. देखिए अभी ये कहना नहीं चाहिए क्योंकि बांग्लादेश एक अलग कंट्री है और वो ये समझते हैं कि उन्होंने आजादी हासिल की. लेकिन वहां पर पाकिस्तान के अंदर तो ये जो दिन है इसके ऊपर बहुत लिटरेचर लिखा गया है और यहाँ तक कहा जाता है कि जिस वक्त ये खबर सुनाई दी थी लोगों को पाकिस्तान के अंदर, उस वक्त जब रेडियो पाकिस्तान या टेलीविजन पर ये ऐलान किया गया था, पता चला था कि मशरकी पाकिस्तान अलहदा हो गया, तो बहुत से लोगों को तो दिल के दौरे पड़े थे, हार्ट अटैक हुआ था और वो मर गए थे. इतना बड़ा उनके लिए सानहा था. तो इसको वहां पर एक सानहे के तौर पर देखा जाता है, जो कि अब नहीं कहना चाहिए क्योंकि अब तो वो एक अलग कंट्री है ना, वो इसके ऊपर एतराज कर सकते हैं कि आप ये क्या बात करें. लेकिन जो वही इसी पास्ट की वजह से, इसी हिस्ट्री की वजह से वहां पर ये सेलिब्रेशन है कि देखो उनसे जो है वो अलहदा हो गए और हमसे अलहदा हो गए और अब वहां पे जाके देखो जो कुछ हुआ था वो फिर कारमा हुआ और फिर एक बार फिर उनके साथ ये हुआ. तो इसको इस वजह से वहां पर भंगड़े डाले जा रहे हैं. और देखे ना, इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको पता ही है. जिस वक्त ये सारा हुआ
71 में, उस वक्त तो हम खुद बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं इस बात को, और बहुत सारे लोग जो लिखा गया अभी तक जो कुछ कहा जाता है, वो कहा जाता है कि बहुत गलतियां थी, ये जो कुछ हुआ है ये शेख मुजीबुर रहमान की वो नहीं थी, बल्कि ये वो गलतियां थी जो आपके सामने आई, क्योंकि उनकी अगर मेजोरिटी थी तो उनको क्यों नहीं दी गई, और जाहिर है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। तो लेकिन आपको पता है कि ये कहाँ ऐसी बातें मानी जाती हैं, तो यही वजह है कि वहां पे ऐसा लगता है कि जैसे ये बड़ा एक वो उनका जो दर्द या दुख था, वो जो जख्म था वो भर गया, कुछ इस तरह की बातें वहां पर चल रही हैं। तो अच्छा, एक और ये कि जैसे वहां पर जमात इस्लामी है, आपको मालूम है रेडिकलाइज्ड एक ग्रुप है, उनकी जो राइज है बांग्लादेश में, हाउ डेंजरस इट इज फॉर बांग्लादेश अकॉर्डिंग टू यू? वेरी डेंजरस, बहुत ज्यादा। देखिए मैं तो समझती हूँ कि बांग्लादेश की सारी तरक्की जो शेख हसीना के दौर में हुई थी वो धरी की धरी रह गई, और अब हम ये देखेंगे कि आगे, मुझे तो जो फ्यूचर नजर आ रहा है, अगर उनकी जमात इस्लामी रेडिकलाइज लोग इसी तरीके से आते हैं हुकूमत में, गवर्नमेंट में, तो बांग्लादेश तो क्या, यानी वहां पे जो इकोनॉमी है उसकी क्या सिचुएशन रहेगी। गो के अभी मोहम्मद यूनस जो के नोबेल लॉरिएट हैं और एक बहुत पढ़े लिखे हैं इंसान, क्या वो इसको संभाल पाते हैं और उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, लेकिन देखिये वो भी तो इंटरिम गवर्नमेंट है ना, कुछ दिन के लिए रहेंगे वो, तो उसके बाद जब वो इलेक्शन करवा देते हैं उसके बाद कौन सी गवर्नमेंट आती है, उस वो क्या वो गवर्नमेंट उस तरक्की को संभाल पाती है। सबसे बड़ी बात इस वक्त वहां पर यही है, एक तो ये कि वहां पर माइनॉरिटीज के ऊपर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं को जिस तरीके से वहां पर मारा जा रहा है, और हिंदू उसके ऊपर इतने हमले हुए, इतने अहमदीज पर वहां पर अटैक हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती कि ये तो प्रोटेस्टर्स जो थे वो तो स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट का मामला था, यानी शेख हसीना और स्टूडेंट्स के दरमियान था ना ये, तो उसमें आप माइनॉरिटीज को क्यों मान रहे, इसमें मजहब का तो कोई ताल्लुक ही नहीं था, इस इशू में रिलीजन का तो कोई वो नहीं था ना, वहां पे हिंदुओं ने तो कुछ नहीं किया था ना, या अहमदीज तो कुछ नहीं कर रहे थे कि शेख हसीना के साथ मिलकर वो कोई साजिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स के खिलाफ। लेकिन होता ही है कि जब इस तरह के दंगे फसाद और कोई ऐसी सिचुएशन में, जब कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है किसी कंट्री में, तो उस वक्त इस तरह के वाकयात होते हैं। तो मैं तो समझती हूँ कि पूरी दुनिया को इसके ऊपर बोलना चाहिए, और जो माइनॉरिटीज के साथ वहां पर हुआ है, हिंदुओं पर जो हमले हुए हैं, वो उसको कंडेम करना चाहिए। इसके ऊपर अब जो आपको पता है ये डेवलपमेंट हो चुकी है, जिसमें ना सिर्फ ये कि कई एक कंट्रीज की तरफ से कहा गया है इसको रोका जाए, बल्कि जो मोहम्मद यूनस हैं उन्होंने भी जो अपना पहला एड्रेस किया, जो भी उन्होंने प्रेस के सामने बात की, उसमें उन्होंने अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको यही कहा है कि इसको रोकना जरूरी है, मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इसको जो है वो रोका जाए। तो हो सकता है कि वो संभाल लें, और ये तो जाहिर है कि उनको रोकना होगा, वरना तो बहुत खराब हालात हो जाएंगे। आले जी, आपने जैसे मोहम्मद यूनस की बात करी, यस वो नोबेल लॉरिएट है हमें सबको मालूम है, लेकिन वो क्लिंटन और ओबामा के करीबी भी हैं, वहां पर डोनेशंस भी देते रहे उनकी पार्टीज को, उनके कैंपेनिंग के लिए सोरोस के करीब हैं, राहुल गांधी के तो बहुत ज्यादा करीब हैं, इंटरव्यूज हैं, कई बार उन्होंने भारत को धमकियां भी दी हैं, यानी कि ये लेफ्ट विंग वाले जो हैं ये उनके करीबी रहे हैं। आपको नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ी एक प्लानिंग के तहत इस आदमी को लेकर आया गया है? हो सकता है कल को ये कंटिन्यू भी करें वहां पर, देन व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश इफ दिस इज व्हाट हैपेंस? अब मसला पता है क्या है, ये बहुत सारे नैरेटिव्स चल रहे हैं, कोई कह रहा है चाइना ने करवाया, कोई कह रहा है पाकिस्तान इसके पीछे है, कोई कह रहा है अमेरिका। मसला ये है कि अगर तो आप ये तो एक्सेप्ट करेंगे ना कि प्रोटेस्ट बहुत बड़े लेवल पर थे, आपको ये तो आप करेंगे ना कि वहां पे 300 लोग मर गए, आप ये तो एक्सेप्ट करेंगे ना कि शेख हसीना ने तमाम लोगों को गिरफ्तारियां की, पोलिटिकल पार्टीज पे बैन लगाया, फांसियां दी, इस पे तो आप करेंगे ना। अब जब आपके सामने ये भी है, अगर तो वो ना होता ना या कम होता तो फिर तो हम कहते हैं हाँ जी। अब जब ऐसा कुछ होता है तो बीच में तिली तो कोई भी लगा सकता है, ये बात मैं कह रही हूँ कि ये नहीं, अब मैं इससे इनकारी नहीं हूँ कि जी कुछ दरमियान में किसी ने ना किया हो, सकता है किया हो, बहुत सारी चीजें चलती हैं और उसमें, लेकिन जो हसीना की जो गवर्नमेंट थी उस दौरान जब ये प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो उसमें जो है वो बहुत ज्यादा ये हालात खराब हो गए थे वहां पर, और जब 300 लोग मारे जाए और तलबा पे सीधी गोली चलाई जाए, ये नहीं होना चाहिए था, ये हुआ, तो फिर वो अपनी गलतियां अपनी जगह पर मौजूद हैं। अब देखिए जो मोहम्मद यूनस हैं, उसमें एक ये भी बात है ना जो आप कह रहे हैं, ये भी तो है पॉइंट के, क्योंकि वो एक ऐसा नाम है कि जिसकी तरफ सब देख रहे हैं। अब एक नोबेल लॉरिएट जो होता है उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कोई ऐसा स्टैंड लेना जिसके ऊपर उंगलियां उठे। मैं ये समझती हूँ कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, कि जी
आप ये रुकवाएं जो ये ह्यूमन राइट्स की हैं, इसके ऊपर इसको रोकें जो सबसे बड़ा उनका काम है. फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो उनका सब्जेक्ट है, हो सकता है कि वो इकोनॉमी के लिए कुछ सजेशंस रिकमेंडेशंस अपनी जो है वो पेश करें, ये उनका काम होगा. और इलेक्शन जो है वो करवाना. अब देखिए इलेक्शन करवाना उनका काम सिर्फ यहाँ तक होगा, बाकी तो फौज ने संभालना है. आपको पता है पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो है वो, इंडिया की बात तो छोड़ देना, इंडिया की तो क्या बात है, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन वहां पे होता है जिसको दुनिया का फेस्टिवल कहा जाता है. तो वहां पे कोई कुछ नहीं होता, एक वायलेंस का वाकया नहीं होता और कोई उंगली नहीं उठती और सब मानते हैं और हुकूमत में आप सब कर रहे हैं. तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में तो फौज ही इलेक्शन करवाती है, आपको पता है इलेक्शन तो इसी तरीके से होगा. तो मैं नहीं समझती कि मोहम्मद यूनुस का इसके अलावा बढ़ के जो है कोई रोल एज सच, या वो ये इस तरह का, क्योंकि देखें सबकी नजर है उनके ऊपर और उनका एक जो पास्ट है जो उनका वो है कि भाई इस तरह जो है वो जाहिर है कि, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे तो उसमें हमें ये पता चलेगा कि आगे क्या होता है. और देखते हैं, जैसे कि अभी हसीना ने ये कहा कि वो वापस जाएंगी, यानी हसीना ने नहीं कहा लेकिन उनके बेटे ने ये कहा कि वो वापस जाएंगी. हाँ एग्जैक्टली. तो फिर अगर वो वापस जाती हैं तो क्या होगा? तो अभी तो हालात हमें बनते हुए नजर आएंगे. तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और सुमित जैन साहब और आलिया शाह जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा. बस मेरा यही कहना है कि हम सबका जो सपोर्ट है, हमारा जो साथ है, वो बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ है. तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी. वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं. और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें. तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए. जय हिंद, जय भारत.